A heat engine receives reversibly 420 kilojoule per cycle of heat from a source at 327 degrees Celsius and reject heat reversibly to a sink at 27 degrees Celsius. There are no other heat transfer for each of the three hypothetical amount of heat rejected in A, B, and C below. Compute the cyclic integration of dQ by T from this result. So which case is irreversible and which is reversible and which is impossible? A, 210 kilojoule per cycle rejected and 105 kilojoule per cycle rejected, and 3 C में 315 kilojoule per cycle rejected. Okay, बोल रहा है कि एक हिट इंजन है. देखो मैं बता रहा हूँ कि यह क्या है. एक हमारा जो है हीट इंजन है, एक यह हीट इंजन है, ठीक है, एक हीट इंजन है. और ये हीट इंजन जो है, और ये सोर्स जिसकी टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस, मीन्स अगर इसे हम केल्विन करते हैं तो 600 केल्विन हो गया, ठीक है. तो इस 370 सोर्स जो है हमारा सोर्स है, तो इससे क्या कर रहा है, यह रिवर्सिबल जो हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, वह क्या कर रहा है, इससे हीट ले रहा है, इससे हीट ले रहा है, जो Q1 इक्वल टू कितना हो गया, कितना लिया है, यह इसे ले रहा है 420 किलोजूल पर साइकिल, ठीक है, मतलब एक साइकिल के लिए ऑपरेट हो रही है, तो मीन्स यह कितना 420 किलोजूल हीट ले रहा है, ठीक है. और ये सिस्टम में हीट जो होता है रिजेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, जिसकी टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है. तो जो कि Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है, जो कि Q2 की जो वैल्यूज होता है अलग अलग जो दिया है, उससे मुझे फाइंड आउट करना है कि वह प्रोसेस होता है जो होता है इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है या इम्पॉसिबल. ओके, ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए में देखते हैं, ठीक है. ए के आपको मैं बता रहा हूँ, ए में जो होता है वो उस सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है 223, जो Q2 का वैल्यू है ए में, Q2 की जो वैल्यू है आपका 210 किलोजूल है पर साइकिल के लिए है, मतलब वन साइकिल के लिए ऑपरेट हो रही है, तो इतना हीट इस सिस्टम में रिजेक्ट हो रहा है. तो मुझे फाइंड आउट सबसे पहले निकालना है डी क्यू वाई टी निकालना है, ठीक है. तो डी क्यू वाई टी जो होता है, देखो सबसे पहले यह सब जानने से पहले आपको थ्री कंडीशन आपको जानना पड़ेगा, ठीक है. हम जानते हैं डी क्यू बाई टी फॉर साइक्लिक प्रोसेस होता है, डी क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो होता है. डी क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो होता है. अगर यह डी क्यू बाई टी होता है इक्वल टू जीरो है, तो इसे यह आपका रिवर्सिबल है. अगर जो होता है डी क्यू बाई टी जो होता है लेस देन जीरो है, तो यह क्या है, इरिवर्सिबल है. एंड देन डी क्यू बाई टी अगर यह कंडीशन हो जाए, या डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है. तो मुझे क्या करना है कि अब ए में पूछो, फाइंड आउट करना है डी क्यू बाई टी. देखिए डी क्यू बाई टी फॉर साइक्लिक इंटीग्रल्स, देखिए जो हीट इंजन जो है यह क्या कर रहा है, 327 डिग्री सेल्सियस से हीट ले रहा है और 27 डिग्री सेल्सियस पे हीट रिजेक्ट कर रहा है. तो मतलब हीट इंजन जब हीट लेगा, तो वो हीट लेगा तो पॉजिटिव होगा, और हीट रिजेक्ट करेगा तो नेगेटिव होगा. ओके, ठीक है. तो हमारा डी क्यू बाई टी कितना हुआ, देखिए डी क्यू बाई टी यह हमारा सोर्स के लिए हो गया, और जो था और यह डी क्यू बाई टी जो है और यह सिंक के लिए हो गया, ठीक है. तो डी क्यू बाई टी इसकी वैल्यू जो होता है कितना दिया है, इसकी वैल्यू डी क्यू क्यू कितना सिस्टम से हीट ले रहा है आपका 420 ले रहा है, तो 420 बाई टेम्परेचर कितना है सोर्स की 600 केल्विन है, तो 600 केल्विन माइनस एंड क्यू टू के वैल्यू जो आपका 210 है बाय एंड टी टू की टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्स केल्विन है, तो 300 डिग्री केल्विन है. जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो वैल्यू कितना आएगा, देखिए इसे जो होगा ये 0.7 माइनस 0.7 होगा,
जब इसे सॉल्व करेंगे जीरो, तो मीन्स जो है अगर जो है डी क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो, तो मैं आपको बोला था कि नहीं अगर जीरो हो गया तो मीन्स बोला था कि रिवर्सिबल होगा, तो मीन्स ये प्रोसेस होगा ये आपका रिवर्सिबल होगा। ओके, अब मैं सेकेंड अप्रोच आपको लेके चलता हूँ। सेकेंड में जो है आपका बी, बी में क्यू टू की जो वैल्यू दिया है, देखिए क्यू टू का वैल्यू 105 किलो जूल दिया है पर साइकिल के लिए, 105 किलो जूल, ठीक है। देन अगर हमको यह क्या फाइंड आउट करनी है, और फिर हमको डी क्यू बाई टी फॉर साइकिल के लिए, तो डी क्यू बाई टी ये सोर्स के लिए हो गया, और डी क्यू बाई टी जो होता है सिंक के लिए हो गया, यह हमारा टी वन या टी टू हो गया। देन हमारा डी क्यू इक्वल टू कितना था हमारा 420 से सेम होगा, 420 बाई 600 और माइनस डी क्यू की वैल्यू अभी 105 बाई 300। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यह हमारा कितना आ जाएगा, तो यह तो 0.7 होगा माइनस अब 0.35 होगा, ठीक है। जब यह सॉल्व करेंगे हमारा 0.35 होगा ना। लेकिन हम बोले हैं डी क्यू बाई टी जो है यह क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, 0.0 से बड़ा है, 0.35 है, तो मीन्स यह प्रोसेस होता है क्या होगा आपका, इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड सेक्ट सी कंडीशन में देख रहा हूँ, अगर सी कंडीशन में जो है क्यू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर क्यू टू इक्वल टू आपका 315 किलो जूल हो जाएगा, मीन्स यह आपका 315 किलो जूल हो जाएगा, देन तो आपका क्या होगा प्रोसेस, तो आपके करने के बाद ही तो डी क्यू बाई टी तो इक्वल टू डी क्यू बाई टी वन माइनस डी क्यू बाई टी टू, देन यह सोर्स के लिए और सिंक के लिए, क्योंकि सिंक जो हीट इंजन को क्या कर रहा है, यह सिस्टम हीट इंजन जो है जो टी वन टेम्परेचर से हीट आ रहा है, और जब सिस्टम में हीट जाएगा तो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, वही जो है क्या होता है कि सिंक में जो है क्या होता है वह हीट इंजन से हीट इजेक्ट होता है, जिसके कारण हम उसे नेगेटिव कंसिडर, क्योंकि सिस्टम से जब हीट इजेक्ट होगा तो उसे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू वैल्यू आपको पहले से मालूम है 420, इसकी वैल्यू तो सेम होगा टी वन की, एंड टी टू की वैल्यू बदल रहा है जो कि 315 बाय एंड 300 केल्विन, देन इक्वल टू 0.7 माइनस 1.05 होगा। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे नेगेटिव ऑफ 0.35 होगा, और आप जानते हैं डी क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो जो कि इक्वल कितना है, तो डी क्यू बाई टी जो है लेस देन कितना है 0.35 से कम, डी जो यह कितना है, यह सॉरी डी क्यू बाई टी, तो मीन्स यह क्या हो जाएगा हमारा इरिवर्सिबल हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ओके, थैंक्स।